और दूसरी एक बहुत खूबसूरत बात है मुस्लिम संप्रदाय में बंधुओं, वो ये है कि उनके यहां उनके मौलवी आए या ना आए, साधु संत उनके आए या ना आए, कोई प्रवचन सभा हो या ना हो, उनके यहां एक तबलीगी जमात चलती है। क्या करते हैं उन लोग, चार पांच छह लोगों का ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना करके मान लीजिए उनका प्रभाव उनके नगर में है तो वो अपने ही नगर में उन मुसलमानों के पास जाकर के बात करते हैं, आदाब करेंगे, बात करेंगे, अरे आप बहुत दिन से नमाज में नहीं आए, आप बहुत दिन से जुम्मा की नमाज आपने नहीं दी, बहुत दिन से आप कोई तकरीर पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आया सुनने नहीं आ रहे हैं, आपको आना चाहिए। तो चार पांच लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक घर में एक एक मुसलमान के यहां जाकर के उसको समझाते हैं, कन्वेंस करते हैं कि तुमको मस्जिद आना तुम्हारा फर्ज है, तुमको आना चाहिए। हमारे जैन संप्रदाय में किसी को फुर्सत नहीं है कि वो यहां पर किसी को उठ करके, भैया फुर्सत है सामने वाले के घर में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं कि हम जाकर के समझाएं, भैया थोड़ा शांति धारा कर लो, घर के अंदर आकर के अभिषेक कर लिया करो, पूजा कर लिया करो। कोई पापी अपने पाप कर्म की वजह से साधु को आहार दान देने नहीं आ रहा, हमारा कर्तव्य बनता कि उसको बोले चल अरे साधु आए हैं, ले दुपट्टा पकड़ चल मेरे साथ, हम तुमको आहार दिलवा देते हैं, हम तुमको पूजन करा देते हैं। ये सहयोग की भावना जब तक इस जैन समाज में नहीं बनेगी तब तक ना जैनत्व का विकास होगा ना जैनियों का विकास होगा। जैनी इसलिए अधूरा है बंधुओं, 1% बचे हों और मुसलमानों की संख्या आज पूरे विश्व में 600 करोड़ की जनसंख्या में 200 करोड़ है। उन 200 करोड़ की जनसंख्या के बीच में उनकी नैतिक आचार संहिता कैसी भी हो लेकिन धार्मिक आचार संहिता कितनी खूबसूरत है, इस दो खूबसूरती को देखिए कि दिन भर हाथ में माला चलती है और जैसे ही मौका मिलता है चार लोग इकट्ठे होते हैं और उस व्यक्ति को टारगेट बना लेते हैं जो कभी मस्जिद नहीं आता। आप में से चार व्यक्ति अपने लोगों इकट्ठे हो जाओ और रोज का टारगेट बना लो कि ये कभी पूजा नहीं करता, ये कभी अभिषेक नहीं करता, ये मंदिर नहीं जाता, इसके घर में चौका नहीं लगता। माँ बहने नियम बना ले कि इसके घर में जीवन में कभी चौका नहीं लगा मेरे 25 साल देखते देखते, चल तेरे घर में हम आके चौका लगा लेते हैं, तू आत्रो आत्रो करके साधु को आहार दान दे ले और अपने कर्म की निर्जरा कर ले। जब तक साधर्मी बात्सल्य इस तरीके का आप लोगों के जीवन में नहीं आएगा ये जैनत्व आज 1% बचा है बंधुओं, आने वाले सदियों में ये 1% भी नहीं बचे।